नमस्कार दोस्तों, इन्फो टोस्ट के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक फ्लोटिंग सोलर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों स्टेट ओन एनर्जी जैन NTPC के द्वारा रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का एक और पार्ट कंप्लीट कर दिया गया है, जिसके चलते अब इस प्लांट का 80% काम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों रामागुंडम जो कि तेलंगाना के पेड़ापल्ली डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहां पर NTPC के पास में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन है और यहीं पर 450 एकड़ का जो रिजर्वेयर बना हुआ है उसके ऊपर 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर को सेटअप करने पर काम किया जा रहा है, जिसके ऊपर 423 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और अगर आपको पता होगा तो जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट होते हैं इनको सेटअप करना कोई इजी टास्क नहीं है, इनको सेटअप करने के थोड़ा टाइम लगता है, जिसके चलते NTPC इसको पार्ट्स में बनाकर कंप्लीट कर रही है। और अभी तक 17.5 मेगावाट का पार्ट 1, 20 मेगावाट का पार्ट 2 एंड 42.5 मेगावाट का पार्ट 3 जो कि अभी ऑपरेशनल हुआ है, इन सबको ऑपरेशनल कर दिया गया है। ओवरऑल 100 में से 80 मेगावाट तक की कैपेसिटी ऑपरेशनल हो गई है। और एक बार जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट हमारे देश का सिंगल लोकेशन में बना हुआ सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर होगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के लार्जेस्ट STP से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट LNT के द्वारा दिल्ली में 318 मिलियन लीटर पर डे की कैपेसिटी वाला एक सीवे ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप कर दिया गया है, जो दिल्ली का इनफैक्ट हमारे देश का लार्जेस्ट सीवे ट्रीटमेंट प्लांट बन गया है। दोस्तों सीवे ट्रीटमेंट प्लांट है ये दिल्ली जल बोर्ड की जो कोरोनेशन पिलर डिस्पेंसरी है जो कि आजादपुर में है, वहां पर सेटअप किया गया है। और स्पेसिफिकली यमुना रिवर का जो पानी है उसकी क्लीनिंग के लिए ये काफी बड़ा स्टेप है। कहा ऐसा गया है कि A20 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सेटअप किया गया है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि दिल्ली में जो ओवरऑल सीवेज प्रोड्यूस होता है उसका 10% ट्रीटमेंट यहीं पर किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, दिल्ली जल बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन तीनों ने मिलकर इस काम को कम्प्लीट किया है, जबकि इसकी फंडिंग नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत दी गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक काफी बड़ा पुश मिलने वाला है, क्योंकि हमारी रेलवे के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश की दो और फैक्ट्रीज में वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों करंटली हमारे देश में जो वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है यहीं पर होती थी। और अगर आपको पता होगा तो हमारे देश में जो ऑलरेडी दो वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी चेन्नई में ही हुई थी। पर अब अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर हमारे देश में 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेंगी, तो इसी के चलते ये इम्पॉसिबल है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही इतनी सारी ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग इतने कम समय में की जा सके। और इसी को एज अ नीड देखते हुए हमारी रेलवे के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से हमारी रेलवे की दो फैक्ट्रीज, जिसमें रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो पंजाब में है और मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, यहां पर वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कब तक स्टार्ट होती है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन सेमीकंडक्टर जायंट क्वालकॉम को लेकर, जहां पर दोस्तों अब इस कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनकी जो रीच है उसको और भी एक्सपांड करेंगे और अगले 5 सालों के अंदर अंदर ये हमारे देश में 3,904.55 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों ऑलरेडी क्वालकॉम तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद में प्रेजेंट है, पर यहां पर ही इनका जो न्यू एक्सपांशन है वो देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर उन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इनका जो न्यू कैंपस यहां पर बनकर तैयार हो रहा है ये US के बाहर इनका सेकंड लार्जेस्ट कैंपस होगा, जो 1.572 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में हैदराबाद के रायदुर्ग में बनकर तैयार हो रहा है। और दोस्तों कहा ऐसा गया है कि इसका जो काम है वो काफी आगे तक पहुंच चुका है और इसी साल अक्टूबर तक ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। और अगले 5 सालों के अंदर अंदर क्वालकॉम के द्वारा हमारे देश में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड 8,700 न्यू जॉब भी जनरेट की जाएंगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात गवर्नमेंट के कुछ न्यू इंडस्ट्रियल प्लान से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों गुजरात स्टेट में और भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनके स्टेट में 7 न्यू इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स को डेवलप करेंगे एंड 1,911 हेक्टेयर्स के एरिया में ये सातों के सातों इंडस्ट्रियल स्टेट्स फैले होंगे। तो दोस्तों गुजरात स्टेट में ऑलरेडी 224 इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो 40,000 एकड़स की एरिया को कवर करती हैं। लेकिन अब गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनके स्टेट में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड MSMEs हैं उनको भी लार्ज स्केल पर कवर करेंगे। 5,997.24 करोड़ रुपीज़ का जो बजट है वो गुजरात स्टेट का जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है उनके लिए स्पेसिफिकली इसी टास्क के लिए अनाउंस किया गया है। और थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो ओडे आनंद, खांडीबा बालानिसोर, मोरवी, माधिया भावनगर, दहेज SEZ, भरूच, जम्बूसार, धरोल जामनगर, ये कुछ क्लस्टर एंड इंडस्ट्रियल नोड्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जम्बूसार में एक न्यू ड्रग पार्क बनकर तैयार होगा। इसके अलावा गुजरात स्टेट के अलग अलग एरियाज में 5 न्यू एग्रो पार्क्स एंड सी फूड पार्क्स भी बनकर तैयार होंगे।
अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में आपको जल्दी ही और भी ई बसेस देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में 200 और भी ई बसेस को लॉन्च करने के लिए जितनी भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर दी गई हैं। दोस्तों कहा ऐसा गया है कि 100 ई बसेस जम्मू एरिया के लिए होंगी, जबकि 100 ई बसेस श्रीनगर एरिया के लिए होंगी। और अगर आपको पता होगा तो ये दोनों की दोनों सिटी है, ये जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल्स मानी जाती हैं। और कहा ऐसा गया है कि करंटली जो शिफ्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देखने को मिलता है, और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो एटमॉस्फेयर है वो पहले से ही काफ़ी क्लीन है, तो इसी के चलते वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको पोल्यूट किया जाए। और इसी मेन कारण के चलते जम्मू एंड कश्मीर में स्पेसिफिकली जो ई बसेस हैं उन पर ही ध्यान दिया जाएगा। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेम 2 स्कीम के अंतर्गत ये 200 ई बसेस यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, जिन सब में CCTVs, GPS, पैनिक बटन्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्टॉप रिक्वेस्ट बटन, ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ फेयर्स, ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अपक्यू किया गया है। कहा ऐसा गया है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में बहुत सारी ई बसेस जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं 200 अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस के द्वारा हमारे पार्लियामेंट को ये बताया गया है कि हमारे जो डिफेंस वर्कफोर्स हैं वो पिछले 5-6 सालों के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में जहां पर हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 1941 करोड़ रुपीज़ के रिकॉर्ड किए गए थे, अब वो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 11,607 करोड़ रुपीज़ के रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा हैं। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको अगर आप दूसरी कंट्रीज़ जिनकी मिलिट्री काफ़ी बेहतरीन है उनसे कंपेयर करें तो वो काफ़ी कम है। एंड पिछले कुछ समय में देखा गया है कि हमारे देश में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उस पर थोड़ा सा बेहतर ध्यान दिया जाने लगा है, और हमारे देश की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी तेज़ी से ग्रो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमारे देश में जो डिफेंस कंपनीज थी उनके ऊपर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसके चलते वो फ्रीली काम नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता जा रहा है, वैसे वैसे जो सभी के सभी प्रोसीजर्स हैं इनको ईजी किया जा रहा है, ताकि 2025 तक हमारे देश का एनुअल $5 बिलियन का जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है वहां तक पहुंचा जा सके। अगली 200 की नेगेटिव सी अपडेट निकल कर आ रही है हमारी भारतमाला परियोजना से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों एक पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा ये कहा गया है कि भारतमाला परियोजना जो कि हमारे देश का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये 5 साल तक और भी डिले हो गया है, और अब इसका जो फेज 1 है वो 2027 तक कंप्लीट होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारतमाला परियोजना है उसको 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसके फेज 1 का जो इम्प्लीमेंटेशन रखा गया था वो साल 2017 से 2022 तक रखा गया था, जिसके अंतर्गत ये प्लानिंग की गई थी कि 34,800 किलोमीटर के न्यू हाईवेज बनकर तैयार होंगे। और अभी जो रिपोर्ट रिलीज की गई है इसमें बताया गया है कि भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत हमारे देश में एज ऑफ नाउ 20,632 किलोमीटर की लेंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अवार्ड किए गए हैं, जो भारतमाला परियोजना के फेज 1 का ऑलमोस्ट 59.28% पार्ट होते हैं, जबकि इसमें से भी 7,375 किलोमीटर के रोड्स ही बनकर तैयार हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 21.19% होते हैं। और दोस्तों इससे पहले भी ICRA नाम की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसमें उन्होंने भी सेम बात कही थी, और हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी के द्वारा खुद ये बात एडमिट की गई थी। और साथ साथ दोस्तों ये भी कहा गया है कि इसका जो फेज 1 है उसकी जो कॉस्ट है वो 100% ओवररन कर जाएगी, क्योंकि इसका जो फेज 1 है अब उसको कंप्लीट करने के लिए 2027 तक 10.63 ट्रिलियन रुपीज़ लगेंगे, जबकि इसका जो ओरिजिनल प्लान है उसके अंतर्गत 5.35 ट्रिलियन रुपीज़ इसके ऊपर स्पेंड करने का प्लान बनाया गया था। लैंड एक्विजिशन, COVID-19 ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में बताया गया है, और कहा गया है कि इन्हीं के चलते भारतमाला परियोजना में इतना बड़ा डिले देखने को मिला है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि इंडिया में सेटअप होने वाला है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने WHO के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो कि होस्ट कंट्री एग्रीमेंट है। दोस्तों जो एग्रीमेंट है ये जामनगर में साइन हुआ है, और आपको पता होगा तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि WHO के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो हमारे देश में उनका एक ट्रेडिशनल मेडिसिन रिलेटेड सेंटर सेटअप करेंगे, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल भी दे दी गई थी, और अब इसके लिए MOU भी साइन हो गया है। और इस प्रोजेक्ट के लिए WHO के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो तो अलग है, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और कहा ऐसा गया है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू या फिर सेंटर के थ्रू हमारे देश की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड जो वेलनेस प्रैक्टिसेस हैं उनको ग्लोबल स्केल तक एक्सपांड किया जाएगा, साथ साथ उनकी रीच भी बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।